तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में रो रैंक बता दिया था रो रैंक क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, ठीक है आफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड और रो रैंक अब बात करेंगे हम लोग कॉलम रैंक पे तो कॉलम रैंक क्या है जैसे कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ए बराबर टू जीरो टू वन थ्री फोर और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो कॉलम रैंक क्या होता है डिफिनेशन पहले लिख दूं कॉलम रैंक मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम रैंक मतलब किसी मैट्रिक्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स को ही हम बोलते हैं उसका कॉलम रैंक जैसे क्वेश्चन में ये था ना फाइंड कॉलम रैंक कॉलम रैंक इसका पता करना है आपको मैट्रिक्स है टू जीरो टू वन थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री उसमें वाई वन कितना हो जाएगा टू ज़ीरो टू वाई टू कितना हो जाएगा वन थ्री फोर वाई थ्री कितना हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये तीन रो हो गए फॉर वाई वन वाई टू ठीक है लेट फॉर बी वन बी टू बिलोंग्स टू एफ मतलब दो व्यक्ति दो स्केलर एरिया जो एफ के मेंबर हैं तो बी वन वाई वन प्लस बी टू वाई टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो बी वन वाई वन कितना हो गया टू ज़ीरो टू प्लस बी टू वाई टू कितना हो गया वन थ्री फोर बराबर ज़ीरो 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 ये हो गया आपका तो टू बी वन प्लस बी टू नीचे क्या होगा ज़ीरो बी वन प्लस थ्री बी टू फिर नीचे क्या होगा टू बी वन प्लस फोर बी टू ये हो गया आपका अब बराबर कितना हो गया ज़ीरो 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 अब सॉल्व करिए इसको तो टू बी वन प्लस बी टू बराबर कितना हो गया आपका ज़ीरो फिर उसके बाद आएगा जीरो बी वन प्लस थ्री बी टू इज इक्वस टू ज़ीरो फिर इसके बाद तो अगर टू बी वन प्लस फोर बी टू इज इक्वस टू ज़ीरो इनको सॉल्व करिएगा तो बी वन बराबर बी टू बराबर जीरो आएगा तो इसका मतलब हेंस वाई वन एंड वाई टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ठीक है तो दो वेक्टर लीनियरली डिपेंड हो गए आपको मैक्सिमम ढूंढना है तो फॉर ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू एफ ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू प्लस ए थ्री बाई थ्री बराबर क्या करें जीरो तो वाई वन कितना है टू जीरो टू प्लस ए टू बाई टू कितना है वन प्लस ए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वस टू ज़ीरो 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 ठीक है तो टू ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री बराबर ज़ीरो ज़ीरो ए वन प्लस थ्री ए टू माइनस टू ए थ्री बराबर ज़ीरो टू ए वन प्लस फोर ए टू माइनस थ्री ए थ्री बराबर ज़ीरो इनको आप सॉल्व करेंगे जैसा मैं बताया था वैसे या तो फिर स्टेटमेंट ले टू ज़ीरो टू वन थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इनको देखिए क्या आता है तो टू आ जाएगा माइनस नाइन प्लस एट प्लस सॉरी माइनस वन करिए तो कितना आ जाएगा ज़ीरो प्लस फोर और फिर माइनस वन ये कितना आ जाएगा ज़ीरो माइनस सिक्स तो मिला जुला करके माइनस टू माइनस फोर और प्लस सिक्स नॉट ज़ीरो सॉरी आ गया जीरो जीरो आने का मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब ए वन ए टू ए थ्री नॉट ऑल जीरो मतलब तीनों जीरो नहीं हुए जब तीनों जीरो नहीं हुए तो यानी तो वाई तो, वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या हो गया वाई थू, वाई वाई वन कमा कमा टू थ्री आर लिनियरली डिपेंडेंट और जब लीनियर डिपेंडेंट हो गए तो उसका क्या मतलब हो गया हेंस मैक्स नंबर ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स आर टू हेंस इसका मतलब क्या हुआ कॉलम रैंक इज कितना हो जाएगा दो यानी इसका कॉलम रैंक कितना हो जाएगा दो क्यों तो क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियन की संख्या कितनी हो गई दो ही केवल तीन तो एल हो गए तो इस तरीके से रो रैंक और कॉलम रैंक आपने देख लिया अब बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखिए द नंबर The number r with the following properties कौन-कौन सी si properties हैं पहला properties is called rank of the matrix तो properties कौन-कौन हैं पहला there is एटलीस्ट एटलीस्ट वन वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर दूसरा एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन लिखता हूं फाइंड रैंक ऑफ